नी बंसल, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक ब्रांड का रिव्यू। यस, ब्रांड का रिव्यू। दिस इज़ द हूबा ब्यूटी ब्रांड। काफ़ी सुना था मैंने इस ब्रांड के बारे में, काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी। इंटरनेशनल ब्रांड है, काफ़ी इंटरनेशनल लड़कियाँ जो है इस ब्रांड का यूज़ करती हैं, बल्कि पूरा मेकअप जो है वो इसी ब्रांड का यूज़ करती है। बट मुझे ये ब्रांड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये क्यों नहीं अच्छा लगा और मैंने क्या प्रोडक्ट्स खरीदे थे जिससे मैं सेटिस्फेक्शन नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता है तो आपको इसको करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन भी आ जाएगा, उस बेल आइकन पर भी आप हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएँ। जो भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फर्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा था, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ये आईलैशेस खरीदी थी। ये मैंने चार का कॉम्बो ख़रीदा था। कॉम्बो चीज़ों में चार चीज़ें मुझे, एक ये आईलैशेस मिली थी, मास्करा, लाइनर और आईब्रो पेंसिल मिली थी। तो वो जो और मैंने चारों चीज़ें जो मंगाई थी वो मैक की मंगाई थी, बट मुझे आईलैशेस जो है हूबा ब्यूटी की दी थी और इसमें मुझे कोई भी ग्लू नहीं मिला। तो आईलैशेस तो मुझे अच्छी लगी, आईलैशेस अच्छी है, लेकिन बिना ग्लू के तो मैं चिपकाऊंगी नहीं। तो ये आईलैशेस थी और ये इसका पैकेजिंग है। तो आईलैशेस अच्छी हैं, एक साइड मुझे इसकी चीज़ें अच्छी लगी कि इधर से ये शॉर्ट है और इधर से ये लॉन्ग है। तो मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ हेवी लुक क्रिएट करूँगी तब मैं यूज़ करूँगी। तो ये है, तो मुझे इसका फेविकॉल नहीं मिला था, ग्लू नहीं मिला था, तो मैंने लिया एक ग्लू। यह है 20 रुपीज़ का वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग ग्लू और 1.5 ग्राम की क्वांटिटी है। अब इसमें मुझे प्रॉब्लम आई, ये मैंने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था। ये है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का है। और ये ब्लैक कलर का ऐसा है कि आप इसे मेकअप रिमूवर से भी रिमूव करोगे ना तो ये नहीं होगा। अगर आप का हल्का सा भी अगर आपने ग्लू लगा लिया अपनी लैशेस पे और इसे स्टिक कर दिया तो ये वहीं लग जाएगा कलर। और ये ऐसा ब्लैक है कि आप कितना भी निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे। आप अपना आई शेडो अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला था। इसके बाद मैंने ली थी ये दो लिपस्टिक। फर्स्ट जो लिपस्टिक मैंने ली थी ये वाली, ये मैंने 60 रुपीज़ की ऑफलाइन ही ली थी। इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, चॉकलेटी स्मेल, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और इसका स्टिक जो है काफ़ी नाजुक है, मुझे इसे लगाने में बहुत डर लगता है कि टूट जाएगा तो अनयूज हो जाएंगी। तो ये लिपस्टिक ली थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, अजीब सी स्मेल आती है, सफोकेशन होता है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, तो इस पर नंबर भी मेंशन नहीं आते। एक ये ली थी। इसके अलावा मैंने ये वाली भी ली थी, ये 50 रुपीज़ के, ये भी हूबा ब्यूटी की, क्वांटिटी इसमें कम है, छोटी बॉटल है और इसका भी सेम यही प्रॉब्लम है, इसमें से भी स्मेल आती है। इसका स्टिक भी ऐसा ही नाजुक सा है, आप लगा नहीं सकते हो और ये एक बार में लगती भी नहीं है और इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। दो तीन बार मैंने ट्राई की बट मुझे अच्छी नहीं लगी। तो एक ये है। लास्ट एक चीज़ मैंने और ली थी, ये हूबा ब्यूटी का द मैट फिक्सर। इस पर प्राइमर मेंशन है बट इस पर यह भी मेंशन है कि ये जो है मेकअप फिक्सर है, आपके मेकअप को सेट करने के लिए है। मैंने 180 रुपीज़ का लिया है और इस पर जो प्राइस मेंशन है 249 रुपीज़ है, बट मैंने 180 रुपीज़ का लोकल मार्केट से लिया था। तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी थी बिकॉज ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और मैट है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है। तो इस पर भी यही मेंशन है और इस पर एक चीज़ मेंशन है कि फेस स्प्रे है ये और 100 ml की क्वांटिटी है, बट ये कोई मेकअप फिक्सर नहीं है क्योंकि ये आपके मेकअप को पूरा वॉश कर देगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बेसिक सा ही जो है आईलाइनर ले रही हूँ, ये ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ आईलाइनर है और ये एक्चुअल है वाटरप्रूफ। तो ये लाइनर बहुत थिक सा मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर और ये कोई मेकअप फिक्सर नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। मैंने आज इसमें थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं ग्रीसलीन डाला है ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए, बट ये बिल्कुल पानी का फॉर्म दे रहा है, देख सकते हो आप, ये बिल्कुल पानी है। अगर ये पानी है, देखिए अभी ये मेरा लाइनर जो है सूख चुका है, लाइनर सूख चुका है,
देख सकते हो आप कितना वाटरी है, ये सब बिल्कुल इस तरीके से। अगर मैं दूर से भी करती हूँ तो ये बिल्कुल वाटर छोड़ा है। तो अब ये आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि आपका इसमें पैसा वेस्ट है। और ये देख सकते हो आप, ये मेरा पूरा लाइनर वॉश हो गया, लिपस्टिक तक भी इससे वॉश हो जाएगी, ये देख सकते हो। तो ये नॉर्मल वाटर है। ये लिपस्टिक थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी भी नहीं है कि मतलब इतनी भी ख़राब नहीं है कि नहीं निकले या निकल ही जाए बिल्कुल। तो ये देखिए आप, और अब आप इस ग्लू को भी देख सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अगर ये इस तरीके से हो जाएगा आपकी आईलैशेस पे, आई ख़राब भी हो सकती है बिकॉज इसे निकालना बहुत प्रॉब्लम देता है। मैंने दूसरा एक मैकर लिया है तो वो मैं आपके संग शेयर कर दूँगी, वो 50 रुपीज़ का मुझे मिला था। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप को इस प्रोडक्ट को कभी नहीं बाय करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा वेस्ट है। आप चाहें तो ADS का यूज़ कर सकते हैं, मेकअप फिक्सर, या ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने अभी बाय नहीं किया है बट मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है कि वो काफ़ी अच्छा है। इसकी वीडियो मैंने अभी तक देखी नहीं थी लेकिन फ्लिपकार्ट पर मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे। मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाने वाली थी बट मैंने सोचा कि फ़्लिपकार्ट से नहीं, ऑफलाइन मंगाते हैं। तो उसमें भी मेंशन था कि ये वॉटरी है बट मुझे लगा कि शायद ऑनलाइन है इसलिए लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। बाय करने टाइम मैंने ओपन करके नहीं देखा क्योंकि शॉप वाले ने मुझे ओपन करने नहीं दिया था, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई और ये 180 रुपये का मुझे पानी मिल गया। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। तो मेरा हुडा ब्यूटी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। अगर आपको कोई लेना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लिंक सेंड कर दूँगी, आप उनमें से बाय कर लीजिएगा। तो मत लीजिएगा, पैसा वेस्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ इसे आप करिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।